दृष्टि से देख के हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है।
जो भरमाता है परसिंह दृष्टि के फेर जहां मिल जाए वह परसिंह क्या कहा। कि हे आत्मन तू पर में क्यों भटक रहा है, तेरे अंदर शरण जिस प्रकार से हत्या हो रहा है स्थिति क्या बन रही है, जिस प्रकार से मृत मरीचिका खुशबू के लिए इधर उधर भटकती है लेकिन खुशबू उसकी नाभि में होती है, उसी प्रकार से हम शांति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं कि हमें एन प्रकार शांति की प्राप्ति हो जाए लेकिन वह शांति कहाँ है, कहाँ पर है, मंदिर में नहीं, अच्छा भगवान के पास। व्यवहार की दृष्टि से तो कह सकते हो कि भगवान के पास शांति है नहीं? लेकिन लक्ष्मी की दृष्टि से देखिए तो हमारे अंदर ही शांति है। शांति की खोज के लिए हम भटक रहे हैं, हमें इस भटकन से बचना है और उससे बचने के लिए एक ही साधन है दम श्वास ग्रहण की शरण। अपने आप लोग अवश्य शांति धारा आपके बीच में चल रहे थे पर अभी भी कई लोग पूजन में कर रहे हैं और आज लेटते हुए प्रवेश मिला ने कहा भी था कि आज मातृ माता जी 10 मिनट बोलेंगे कम से अच्छा आधा घंटे का समय कल से मिल गया है क्योंकि कहा है कि समय का ध्यान रखना चाहिए। कहा भी है कि समय के सामने से बाल होती है पीछे से गंजा होता है, ध्यान रखना। समय ने तो पकड़ लिया तो ठीक है और नहीं तो बाद में पछतावा हाथ लगे रहेगा। इसलिए जितनी देर पूजन करो भक्ति करो आराधना करो श्रद्धा करो मन में आकुलता से रहित होकर के करना। यदि कोई चीज आकुलता मन में आ जाती है लोग कहते हैं कि मन भटक जाता है। कई बार लोग कहते हैं जब ज्यादा अति हो जाती है तो अजीर्ण हो जाता है, भोजन भी ज्यादा कर लेते हैं तो अजीर्ण हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मन भटकता है, मन को कैसे रोके, मन को रोकने का उपाय क्या है, माला फेरते हैं और मनवा चला जाता है बाजार में घर में परिवार में चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन में बड़ा चंचल है इसे कैसे मैं समझ जाऊं, जितना ही समझाओ उतना ही ये जो मन जो है मात्र 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 24 मिनट आपको जितना भी टाइम लगता है कि हम मन के बस में है कि मन को हटें का प्रयास करना उनके बातें आते नाते।